لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المطاب تبدها وياسين الرسول المصدق والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة صلوات الله عليه وسلم عزاني رامي ہماری گفتگو اس سشرے میں اور ان مجلسوں میں معرفت امام کے عنوان پر ہو رہی ہے اور آج یہ اپنے پانچویں مرحلے میں ہے. ابھی تک یہ عرض کیا گیا کہ انسان کے لیے اور ایک مرد مومن اور مسلمان کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت. چنانچہ قول پیغمبر کو آپ کے سامنے عرض کیا تھا اور ویسے بھی آپ اسے سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے اٹھا تو وہ جاہلیت کی موت ہو. تو یہ بات طے ہے کہ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا. اب مسئلہ یہ تھا کہ اور یہ بھی عرض کر دینے سننے والوں کے لیے کہ اصل جو بنیاد ہے وہ معرفت خدا ہے. یعنی اصل ذمہ داری انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کو پہچانے اپنے رب کو پہچانے اور اسی لیے اس دنیا میں آیا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام تر صفات و کمالات کے ساتھ خدا کو نہیں پہچان سکتا, لہٰذا اس کا راہ حل اور اس کا علاج خود امام معصوم نے یعنی خود حضور امام سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر زمانے کے لوگ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیں تو یہی معرفت کافی ہے. چنانچہ گفتگو معرفت خدا سے معرفت امام کی جانب مڑی کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے امام کو پہچانے. ابھی تک کی تین چار گفتگو میں ہم نے جو سیر کی ہے اور ایک
हल्की फुल्की नज़र डाली है तारीख़ के ऊपर, तो ये अर्ज़ किया गया आपके सामने कि हमें हर दौर में इमाम और आइम्मा के ज़माने में लोगों की जो मुश्किल नज़र आई है, सबसे बड़ी कमज़ोरी वो यही थी कि किसी भी ज़माने के लोगों ने अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचाना, या ये कि बहुत ही मुख्तसर सी तादाद में लोगों ने पहचाना। सबसे बड़ी तादाद अगर किसी इमाम की मारिफत के सिलसिले में हमें तारीख़ में नज़र आई है तो वो करबला का मैदान कि जहाँ 70-71 की तादाद में नाम ये बयान किए गए, वरना इसके अलावा जिस इमाम और जिस मासूम के ज़माने पर आप नज़र डालेंगे सब चंद लोगों तक महदूद हो करके ये अदद तमाम हो जाती है। किसी को पहचानने वाले 10 लोग हैं, किसी के ज़माने में 5 लोग हैं, किसी के ज़माने में 8 लोग हैं, ये तादाद इससे ऊपर बढ़ी नहीं। तो हर ज़माने का इमाम जो तन्हा रह गया, उसके पीछे जो इल्लत थी वो इल्लत यही थी कि लोगों ने अपने ज़माने के इमाम की मारिफत नहीं हासिल की। चुनांचे करबला भी नतीजा है इसी चीज़ का कि लोगों ने खुद इमाम की शनाख्त नहीं पैदा की। अभी तक की गुफ्तगू में ये बातें आ चुकी हैं। कल ये बात अर्ज़ कर रहा था कि मारिफत जो हम बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि पहचाने पहचाने, तो ये पहचान क्या है? तो पहचान की दो किस्में हमने बयान की थी कि एक किस्म ये है कि एक मर्तबा इंसान ज़ाते इमाम को पहचानता हो, यानी मुशख्खस कर सके कि ये 5 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, इनमें ये इमाम है, ज़ातन पहचानता है कि ये इमाम है। ये किसी हद तक लोगों के पास ये मारिफत है। मसला इस पर नहीं है कि वो भीड़ में पहचान ले कि ये इमाम है, या ज़माने पे नज़र डाले तो मुशख्खस कर ले कि इन लोगों में से ये इमाम है। ये भी एक मुश्किल मसला है, मगर ये बहरहाल वो मारिफत है कि जो किसी हद तक लोग पैदा कर लेते हैं और लोगों के पास रही है। असल मरहला ये नहीं है कि ये इमाम है। मारिफत का मुतालबा जो है वो इस मंजिल पर है कि ये जो इमाम है वो कैसा इमाम है। तवज्जो करिएगा। तो कल इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने की थी, यानी ज़ात इमाम की मारिफत सिर्फ काफ़ी नहीं है, सिफात इमाम चाहिए कि इमाम को उसके सिफात और खसूसियात के साथ पहचानता हो। इमाम की खसूसियत क्या होती है, इमाम की सिफतें क्या क्या होती हैं, इमाम के कमालात क्या क्या होते हैं, इमाम के अख्तियारात क्या क्या होते हैं, ये वो बुनियादी मारिफत है कि जिसकी जानिब इंसान को बढ़ना है। तवज्जो करें आप, वरना हमने ये देखा कि ज़ाती तौर पर लोगों ने इमाम को इमाम समझ लिया, पहचान लिया, मगर चूंकि उसकी खसूसियात से आगाह और वाकिफ़ नहीं थे, लिहाजा ये मारिफत ज़्यादा दिन तक उन्हें इमाम से जोड़ के रख नहीं पाई। जब तक ये हालात ठीक ठाक नज़र आते रहे, लोग और भीड़ इमामों के सामने नज़र आती रही हमें तारीख में, मगर जब ज़रा से हालात बदलते थे तो लोग इमाम को तनहा छोड़ करके अपने रास्ते की जानिब मुड़ जाते थे। ये ऐसा होता क्यों है? तवज्जो करें, एक साथ सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले। एक और जाती है सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले। आज जो मैं आपके सामने एक रुख से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और तवज्जो चाहता हूँ कि ज़रा सा इस नुक्ते के ऊपर भी तवज्जो दे ली जाए कि आखिर ये मुश्किल आती क्यों है इतनी। दुनिया के सारे काम हो रहे हैं और हर काम आदमी कर रहा है, इतनी बार सुनने के बाद, जानने के बाद, पढ़ने के बाद ये क्यों मारिफत इमाम नहीं पैदा कर पा रहा है? तवज्जो करें, इसमें कहाँ रुकावट आ रही है, इस काम को करने में कौन सी चीज रुकावट बन रही, मान्य क्या है ना? कोई काम अगर मुकम्मल नहीं हो पा रहा है और मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उस रुकावट को तलाशना पड़ता है कि आखिर ये काम होगी नहीं पा रहा है, गड़बड़ी कहाँ हो रही है, खराबी कहाँ हो रही है। एक जुमले में पूरी तकरीर है अगर आपने महसूस कर लिया। असल में मुश्किल यहाँ से शुरू होती है कि इंसान अभी खुद की मारिफत नहीं हासिल कर पाया। तो तवज्जो करिएगा, असल जो माने और रुकावट है हमारी वो ये है कि हमने खुद अपने आप को नहीं पहचाना, वरना ये मुमकिन ही नहीं है कि जो अपने आप को पहचान ले वो इमाम को ना पहचाने। तो थोड़ा सा संगीन है मगर मैं इसे वादे कर दूं,
क्यों? इसलिए कि अपनी मारिफत इंसान को खुदा तक ले जाती है, खुदा की मारिफत तक ले जाती है। जुमला आपके सामने है ना, मन अराफा नफ्सहु फ़क़द अराफ़ रब्बा, जिसने भी अपने नफ्स को पहचान लिया। तो यानी मारिफत की इब्तिदा कहाँ से होगी, ये सफ़र तय कहाँ से होगा, खुद अपनी ज़ात से। और तवज्जो करिएगा, और अब अमीर कायनात अमीर बयान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक नहायत खूबसूरत हदीस आपके सामने अर्ज करूं, मगर आप जरा तवज्जो मेरे साथ रखें, बहुत तवज्जो करिएगा। इमाम फरमाते हैं अल आलिम, आलिम कौन है? ये लफ्ज़ तो पहचाना है, आलिम उलमा ये सुबह शाम हम बोलते रहते हैं, मगर ये पूछ लिया जाए कि आलिम कौन है, किसे आलिम कहते हैं? और आदमी अपनी अपनी तारीफ बता सकता है, आलिम जो अमामा लगाता हो, मसलन खबा पहनता हो, रिदा इस्तेमाल करता हो, एक लिबास ख़ास पहनता हो, वो कहते हैं मजलिस पढ़ता हो, जो मसाइल जानता हो, जो फ़िका बयान करता हो, यही तो आलिम किसे कहते हैं? तवज्जो करिएगा, यानी जो शहर इल्म का दरवाज़ा है वो आलिम की तारीफ बता रहा है। तवज्जो करिएगा, वो कह रहा है कि सुनो आलिम किसे कहते हैं? अल आलिमु मन अराफा क़द्रह, नहजुल बलागा है ये। आलिम हदीस के जानकार को नहीं कहते, आलिम तफसीर जानने वाले को नहीं कहते, फलसफा और मंतिक पढ़ाने और उसका इल्म रखने वाले को आलिम नहीं कहते। तवज्जो करिएगा, नहजुल बलागा है मेरे कायनात का जुमला। अल आलिमु मन अरफा क़द्रह, आलिम वो है जो अपनी कीमत जानता हो। तवज्जो करिए, अल आलिमु मन अरफा क़द्रह, आलिम वो है जो अपनी कीमत जानता हो। कायनात की कीमत जानने से फ़ायदा क्या अगर इंसान खुद अपनी कीमत न जानता हो, यानी खुद अपनी मारिफत न रखता हो, अपने आप को न पहचानता हो। अच्छा, एक रुख से ही सिर्फ गुफ्तगू नहीं की गई है, दूसरे रुख से भी बात कर रहे हैं। इसी फकरे के आगे बढ़ करके इमाम फरमाते हैं वह कफ़ा भी बिल मर ए जहलन, और एक इंसान की जहालत के लिए यही काफ़ी है अल्लाह यक़दरा क़द्रह, अल्लाह यारिफ़ क़द्रह, कि अगर इंसान अपनी कीमत और अपनी हैसियत से आगाह नहीं है तो यही बात उसकी जहालत के लिए काफ़ी है। जाती हो सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। तो दोनों रुख से इमाम ने तारुफ कराया, अल आलिमु मन अरफ क़द्रह, आलिम सिर्फ वो है कि जो अपनी हैसियत जानता हो, अपनी कीमत जानता हो। यानी अगर इस हद तक इल्म है इंसान के पास तो अमीरुल मोमिनीन की नज़र में वो आलिम है। वह कफ़ा बिल मर ए जहलन, और किसी इंसान की जहालत के लिए इतना काफ़ी है कि वो सारी कायनात का इल्म क्यों ना रखता हो लेकिन अपनी हैसियत से आगाह नहीं है, यानी खुद अपने आप को नहीं पहचानता, तो उसकी जहालत के लिए इतना काफ़ी है, यानी उसे जाहिल आप कह सकते हैं। तवज्जो करिएगा, हो सकता है कि ज़मीन और आसमान की कुलाबें मिलाए, हो सकता है कि ज़मीन से लेकर के सूरज और चांद तक की खबरें रखता हो सकता है कि ज़मीन के ज़र्रात के बारे में इल्म रखता हो सकता है कि दूसरी मखलूकात के बारे में उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कुरान और तफसीर और फ़िक़्ह सब कुछ पढ़े बैठा हो, मगर अमीरुल मोमिनीन जब आलिम की तारीफ़ करते हैं, कहते हैं जब तक अपनी कदर और कीमत से आगाह नहीं है, ये आलिम कहे जाने के काबिल नहीं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो करिएगा, अब मैं तेज़ी से गुजर रहा हूँ एक मंजिल तक लाने के लिए। इसी नहजुल बलागा में ये तो इमाम के खुतबे के दरमियान का एक जुमला है, गालिबन 103 नंबर खुतबा है, उसमें इमाम का ये फ़िक्र आ रहा है, मगर खुद कलमाते गिसार में फिर एक बात आ रही है। इमाम फरमाते हैं एक सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह का इमरून मन लम यारिफ क़द्रह, ये ख़तरनाक जुमला है। इमाम कहते हैं वो शख्स ज़रूर हलाक हो जाएगा जो अपनी कीमत नहीं जानता। तवज्जो करें, देखें क्यों? इसलिए कि इस कायनात में, इस दुनिया में अल्लाह ने कोई मखलूक ऐसी पैदा ही नहीं की जिसकी कीमत न हो। इस दुनिया में कोई मखलूक ऐसी नहीं है कि जिसकी कीमत ना हो, हर शय और हर मखलूक की कोई ना कोई कीमत है। तो जब छोटे छोटे
जर्रात, पेड़ पौधे, परिंदे, चरिंद फरिंद, इन सब की अपनी एक कीमत है। कीमत वो नहीं कि जो बाजारों में लगती है, इससे मुराद वो नहीं है, तवज्जो करें। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो इस कायनात की अशरफ तरीन मखलूक है इसकी कोई कीमत ना हो? ये हो सकता है? मामूली मामूली चीज़ें कि जो जमादात में हैं इनकी कीमत है। सोना जमादात में है या किस किस्म में है? चांदी जमादात में है, नगीने जमादात में है, हीरा जमादात में है। यानी मखलूकात परवरदिगार की जब फहरिस्त बनाई जाएगी तो जो सबसे पस्त मखलूक है वो जमादात। चार हिस्सों में अगर मखलूकात आलम को बांट दिया जाए तो सबसे पस्तरीन जो मखलूक है वो किसे, वो कौन सी है? वो जमादात है। इससे ज़्यादा तरक्की याफ्ता नबातात, उससे ज़्यादा हैवान, उसके ऊपर इंसान है। तो जो सबसे नीचे की मखलूक है उसे कहते हैं जमादात। उस जमादात का हिस्सा है सोना, चांदी, हीरा, जवाहर। तवज्जो करो, यानी ये सबसे पस्तरीन मखलूक है, इसकी ये कीमत है। तवज्जो करो, मैं आपको कहाँ ला रहा हूँ। यानी जो सबसे पस्तरीन मखलूक है उसकी ये कीमत है, जो हमारी नज़रों में है, जो हमारी मार्केट में है, जो हमारे समाज में है, जो हमारे माशरे में। सोना कितना कीमती है? और तवज्जो करें, चांदी कितनी कीमती है? जवाहरात कितने कीमती हैं? हीरा कितना कीमती है? मगर कितनी भी कीमत होने के बाद भी ये इस कायनात की जब मखलूक की फहरिस्त बनाई जाएगी तो सबसे पस्तरीन दर्जे में है, है ना? सबसे पस्तरीन दर्जे में, इसके ऊपर, लेकिन मेरे साथ रहिएगा, बात निकल ले ना पाए जहन से। इसके ऊपर नबाता, उससे ऊपर हैवान, उसके ऊपर इंसान। तवज्जो करिएगा, तो जब हर मखलूक की कीमत है तो इंसान की कोई कीमत है या नहीं? ऐसा हो सकता है कि इंसान की कोई कीमत ना हो? अगर कीमत ना होती तो अमीर कायनात ये ना कह रहे होते, अल आलिम मन अरफा कदरे कदरा। आलिम वही है कि जो अपनी कीमत पहचानता हो, और इंसान की जहालत के लिए इतना काफी है कि वो अपनी कदर नहीं जानता। वाला हला कायम रहून, और वो इंसान जरूर हलाक हो जाएगा जो अपनी कीमत से आगाह ना हो। इतनी बार 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 इंसान को उसकी कीमत की जानी मुतवज्जे करना इस बात की दलील है कि इंसान इस कायनात की सबसे कीमती शय है। और तवज्जो करिएगा, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी यह है कि अपनी कीमत पहचाने। इंसान की कीमत क्या है? इंसान की कीमत क्या है? तवज्जो करें आप, कोई बहुत मुश्किल नहीं भाई। एक नजर डालें आप और इंसान की कीमत दिखेगी आपको। और हर इंसान सुबह शाम बिकता है इस दुनिया में। सिर्फ जमादात की चीज़ें नहीं बिकती हैं, हीरे जवाहरात, ईंट पत्थर, ये नहीं बिकते। इंसान सुबह शाम बिकता है, बिक रहा है इंसान। और आप देख लीजिए, किसी छोटे से ओहदे के एवज में बिकता है, किसी छोटे से मकाम के बदले में बिकता है, चंद दिरहमों दीनार के एवज में बिकता है, एक थैली के एवज में बिकता है, सोने के एवज में बिकता है, चांदी के एवज में बिकता है, मकाम के एवज में बिकता है, मनसब के बदले में बिकता है, हीरे जवाहरात के बदले में बिकता है। ये सब बिके हैं लोग, तारीख भरी पड़ी है और आपके पेशे नजर है। अजीब है, जो इस कायनात की सबसे कीमती और ऊपर की मखलूक थी वो बिकी तो इस कायनात की सबसे पस्त के बदले। जो अफजल थी, सबसे ऊपर मखलूक थी, वो बिक गई तो किसके एवज में? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, और इंसान की सुबह शाम कीमत लगाई भी जाती है। इंसान खुद भी अपनी कीमत लगाता है, लोग भी इसकी कीमत लगाते हैं। इंसान अपने आप को बेचता रहता है, यही वजह है कि इमाम फरमाते हैं वो इंसान हलाक हो जाएगा जो अपनी कीमत से आगाह नहीं है। और तवज्जो करिएगा, इंसान अपनी कीमत रखता है, और सबसे अजीम कीमत इंसान की है। क्यों कीमत है? अच्छा, कीमत होती किसी चीज की क्यों है? सलवात पर मोहम्मद। मैं अक्सर ये चाहता हूँ कि बहुत सी बातों को छोड़ के और काट करके निकल जाऊं, मगर कुछ इतनी जरूरी होती है कि नहीं छोड़ पाते हूँ। किसी भी चीज की कीमत होती क्यों है? बिकने ही के लिए।
एक नुक्ता है, किसी भी चीज़ की कीमत होती ही क्यों है? बिकने के लिए। अब अगर हर इंसान की कीमत है तो ये तय है कि उसे बिकना है, तवज्जो करें, ये तय है कि उसे बिकना है। अब अगर अपनी कीमत से आगाह नहीं है तो खसारे में पड़ जाएगा, तो नुकसान उठा लेगा। क्यों? इसलिए कि अब हलाकत की तरफ जाएगा। क्यों? अपनी कीमत से आगाह नहीं है, ये जाहिल है। तवज्जो करिएगा, कीमत सुबह शाम इस बाजार में हर इंसान की लगेगी ही लगेगी। अब किस चीज के अवज में बेचे अपने को? सोने के बदले, चांदी के बदले, मकान के बदले, मनसब के बदले, ओहदे के बदले। जितनी भी ऊंची कीमत इंसान अपनी खुद लगा ले, हमेशा खसारे में रहेगा। तवज्जो कर लीजिए, चाहे कितनी भी बुलंद अपनी बोली क्यों ना लगा ले इंसान, हमेशा खसारे में रहेगा। क्यों? इसलिए कि ये अपनी कीमत खुद तय कर रहा है। और तवज्जो करिएगा, जब तक ये अपनी कीमत खुद तय करता रहेगा, हमेशा खसारे में रहेगा। फिर एक सलवात और मोहम्मद वाले, बिकना है ये तय है इंसान को। अब किस चीज के अवज में बिक रहा है? एक इंसान अगर अपनी कीमत बहुत ऊंची ले जाकर के लगाता है तो मुल्क रह के अवज में बिकता है। तवज्जो करिए, आप ये बताएं कि उसने अपनी कीमत बहुत बुलंद तसव्वुर की, मगर खसारे में है या फायदे में? तवज्जो करिए, क्यों? इसलिए कि हर इंसान के नफ्स की कीमत है, और हर इंसान की कीमत है इसलिए क्योंकि उसे बिकना है। और इस दुनिया में कोई नफ्स ऐसा है ही नहीं जो बगैर बिके रह जाए, कोई जात ऐसी है ही नहीं जो बगैर बिके रह जाए। अब इंसान का कमाल यह है कि अगर अपनी कीमत को बढ़ाता चला जाए, न मनसब के बदले बिके, न हुकूमत के हाथों बिके, न दिरहम और दीनार के अवज में बिके, जब कायनात की किसी शय को अपनी कीमत नहीं बनने देता है, फिर उसकी कीमत खुदा लगाता है। फिर उसकी कीमत खुदा लगाता है। क्या जब इसने पूरी कायनात को ठोकर मार दिया, नहीं लफाजी नहीं कर रहा हूं, दुनिया आ रही थी कीमत लगाने, ये खुद मुड़ मुड़ के कह रहा था, गुर्री गैरी, जा किसी और को धोखा दे। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, जा किसी और को धोखा दे। इसने जब कायनात को मुंह नहीं लगाया तो फिर इसकी कीमत कुदरत ने लगाई। मैंने गलत नहीं कहा था, बिकना बहरहाल हर इंसान को इस दुनिया में है। अब वो दुनिया के हाथों बिक जाए या खुदा के हाथों बिक जाए, ये फैसला खुद इंसान को करना है। क्यों? इसलिए कि कोई शय इस कायनात में बेकीमत नहीं है। तो जब मामूली चीजें बेकीमत नहीं है तो फिर ये इंसान बेकीमत कैसे हो जाएगा? इसकी कीमत इस कायनात में सबसे ज्यादा है। तवज्जो करिएगा, अब इंसान ये समझता है कि साहब वो तो एक नफ्स था कि जो कुदरत ने खरीद लिया, बात खत्म हो गई, अभी दरवाजा बंद हो गया ना भाई। अब अल्लाह तो रोजाना नफ्स खरीद नहीं रहा है, हम क्या करें? तो जमाना चला गया, पैगंबर को हिजरत करनी थी, और हिजरत के मौके पर पैगंबर को नफ्स चाहिए था तैयब व ताहिर, कि जो शबी है पैगंबर बन करके पैगंबर के बिस्तर पर सोए। पैगंबर ने उसे सुलाया, पैगंबर खुद हिजरत कर गए, और इधर निगाह है कुदरत इस नफ्स की तहारत पर। लिहाजा इस रात पैगंबर के बिस्तर पे एक सौदा हो गया। तो अल्लाह ने कीमत दी, नफ्स को खरीद लिया, तो बात खत्म हो गई ना। वो एक जमाना था, हिजरत का मौका था, अमीरुल मोमिनीन को मौका मिल गया। इसलिए कि ये एक बात जहन में लोगों की आती रहती है, और अक्सर इसी कबील की गुफ्तगू लोग करते हैं, हो सकता है अल्फाज ये ना हो, मफहूम ये होता है लोगों का। और वो क्या, भाई इनका कौन सा कमाल या हमारा कौन सा जुर्म? अल्लाह ने इन्हें मासूम बना दिया, मासूम है अल्लाह, हमें मासूम बना देता, मैं मासूम होता? अल्लाह ने इनकी तहारत का ऐलान कर दिया, ये ताहिर हैं, अल्लाह हमारी तहारत का ऐलान कर देता, हम ताहिर होते। और आगे बढ़े, अल्लाह ने इन्हें नबी बना दिया, ये नबी हैं, अल्लाह ने इन्हें मासूम बना दिया, मासूम है, अल्लाह ने इन्हें इमाम बना दिया, ये इमाम है, खुदा हमें इमाम बना देता, हम ऐसे होते। अल्लाह हमें नबी बना देता, हम ऐसे होते। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले, एक और सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले, तो जो करें खूब
میرے جانب آپ متوجہ نے ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور پھر زبان پہ آتا ہے کہ اگر اللہ نے انہیں کچھ فضیلتیں بخشی ہیں تو اس میں ان کا کون سا کمال ہے یا ہماری کون سی کمزوری ہے؟ اللہ نے انہیں امام بنا دیا، یہ امام ہے. اللہ نے انہیں نبی بنا دیا، یہ نبی ہے. اللہ نے انہیں معصوم بنا دیا، معصوم ہے. اللہ ہمیں معصوم بنا دیتا، ہم معصوم ہوتے. ہمیں نبوت دے دیتا، ہم نبی ہوتے. ہمیں امام بنا دیتا، ہم امام ہوتے. توجہ کریے. تو پھر ان میں ان کا کون سا کمال ہے یا ہمارا کون سا قصور ہے؟ توجہ کریے گا. اس کے بڑے جواب دیے گئے ہیں. اور ایک مشہور عالم کا ایک فقرہ میں آپ کے سامنے نقل کر دوں، جو بالکل نفسی جواب ہے اور برجستہ جواب ہے اور نہایت خوبصورت جواب ہے. کہتے ہیں وہ ساری بحثیں تو اپنے اپنے مقام پر ہوں گی کہ نبی کیسے کوئی بنتا ہے، امام کیسے کوئی بنتا ہے، اور طہارت کا اعلان کیسے ہوتا ہے. وہ ساری فلسفانہ گفتگو اپنے مقام پر، ایک جملے میں اس کا جواب. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی آپ کو نہیں بنایا، ٹھیک. اور رسول آپ کو نہیں بنایا، ٹھیک. امام آپ کو نہیں بنایا، درست. کچھ تو بنایا ہے. اللہ نے آپ کو جو بنایا ہے ڈھنگ سے وہی بن کے دکھا دیجئے. سلوات پر محمد والے. اشرف مخلوق بنایا ہے خدا نے آپ کو، انسان بنایا ہے آپ کو. اس دنیا میں صرف انسان بن کر کے زندگی گزار دیجئے، یہی بہت بڑا کمال ہے. اشرف مخلوق بنایا ہے آپ کو، پوری زندگی اس اشرفیت کو برقرار رکھیے، یہی کمال ہے آپ کا. اس کے بعد کے مرحلے ہیں کہ اب خدا عصمت دیتا، امامت دیتا، نبوت دیتا، یہ ساری بحثیں جانے دیجئے. کچھ تو بنایا ہے، جو بنایا ہے وہی بنے رہ جائیے. تو بنایا کیا ہے اللہ نے؟ انسان بنایا ہے، اپنی قیمتی مخلوق بنایا ہے. توجہ کریے گا. مگر انسان کی مشکل یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کی قیمت سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے. ایک ایک چیز کی تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اور پھر جب اس کی افادیت سامنے آتی ہے تو اس کی قیمت طے کی جاتی ہے. یہ چیز مارکیٹ میں اتنے کی ہونی چاہیے، اس چیز کا دام اتنا ہونا چاہیے، اس شے کا دام اتنا ہونا چاہیے، اس کی قیمت اتنی ہونی چاہیے. یہ صبح و شام ہو رہا ہے کہ انسان ہر مخلوق کے خدا کی قیمت لگانا چاہتا ہے نا. کبھی یہ پلٹ کے اپنی جانب نہیں دیکھتا، میری بھی کوئی قیمت ہے یا نہیں. توجہ. لہذا اب امیر المومنین کا یہ جملہ سمجھیں. امام فرماتے ہیں انسان کی جہالت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنی قیمت نہ جانتا، جاہل ہے. العالم من عرف قدرہ. اور اگر صرف اپنی قیمت جانتا ہے تو وہ عالم ہے. بالکل تبدیل کر دیا انسانی فکر کو کہ تم عالم کسے کہتے ہو، حقیقت میں عالم کون. تم جاہل کسے کہتے ہو، حقیقت میں جاہل کون. توجہ کریں گے. تو قدرت نے دروازہ بند نہیں کیا، یہ میں عرض کر رہا تھا. کیسا نہیں کہ زمانہ گزر گیا، اب ہجرت کا دوبارہ پیغمبر کے موقع نہیں آئے گا اور دوبارہ کسی کو بستر پہ سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب ہم چوک گئے، ورنہ ہم بھی اپنے نفس کا سودا کر لیتے ہیں. ایسا ہے جی نہیں. اللہ کبھی کسی فضیلت کے بعد دروازہ بند نہیں کرتا، دروازوں کو کھلا رکھتا ہے. آؤ. جس کے اندر یہ شوق اور خواہش ہو کہ وہ بھی سودا کرے تو دروازہ کھلا ہے. توجہ کریں. چنانچہ آیت کہتی ہے قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ خریدتا ہے، خریدار ہے، خرید لیا اس نے من المؤمنین مومنوں سے. دروازہ کھول دیا مومنین کے لیے، ٹھیک ہے. وہ امیر المومنین تھا تو اس کی قیمت الگ تھی. وہ امیر المومنین تھا، اس کی قیمت الگ تھی. اب گفتگو مومنین کی قرآن کر رہا ہے. ان اللہ اشترى من المومنین، اللہ نے مومنین سے خرید لیا. کیا؟ انفسهم واموالهم، ان کے نفسوں کو اور ان کے مال کو. توجہ کریے گا، اللہ بھی مومنوں سے خرید رہا ہے، دروازہ کھلا ہے. یہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. دروازہ اس نے کھلا رکھا، مومنوں سے اس نے
खरीदा क्या, उनका नफ्स और उनका माल किस चीज के बदले, बे अन्न लहुमुल जन्नत, जन्नत के बदले में। कीमत क्या करार पाई, जन्नत। तवज्जो करिए, खरीद क्या रहा है बदले में मोमिनीन से, दो चीजें, नफ्स और माल। और तवज्जो करिए, अच्छा ये बात, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं मगर वक्त तमाम है तकरीबन मेरा फजाइल के बाद में, तो जल्दी से दो चार मिनट में एक बात सुन लें। ये बात यूं भी कही जा सकती थी कि अल्लाह ने मोमिनीन के नफ्सों और माल के बदले में अपनी जन्नत बेच दी। बात हो सकती थी या नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप नहीं गौर करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से मसाइल पे आ जाऊंगे। तवज्जो करें, ये काम हो सकता है। ये बात यूं भी कही जा सकती थी कि अल्लाह ने अपनी जन्नत बेच दी है मोमिनों के हाथों, बदले में क्या लिया है, उनका नफ्स, उनकी जान, उनका माल। अल्लाह ने मोमिनीन के नफ्स और माल के बदले में जन्नत बेच दी। गुफ्तगू उधर से हो रही थी ना, लेकिन यूं नहीं कह रहा है, इधर से खरीदने की बात कर रहा है। अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनों से उनका नफ्स और उनका माल जन्नत के बदले में। तवज्जो करिएगा, बिक जन्नत नहीं रही है, बिक मोमिन का नफ्स और माल है। तवज्जो करिएगा, वरना ये बात बात कुल मिला के नतीजतन एक है। तवज्जो करिए, नतीजा दोनों जुमलों का एक ही है कि जन्नत हुई मोमिनीन की, नफ्स और माल हुआ खुदा का, नतीजा दोनों में एक है। मगर कहने वाला कितनी खूबसूरती से कह रहा है, उसने ये नहीं कहा कि हमने अपनी जन्नत बेच दी और नफ्स और माल खरीद लिया, उसने ये कहा कि नहीं हमने नफ्स और माल खरीदा जन्नत के बदले में। मैं जुमला कह रहा हूं अभी तो, और गुफ्तगू को यहीं पे रोक दे रहा हूं। क्यों ऐसा, क्योंकि जब भी बेचने का लफ्ज बोला जाएगा एक तसव्वुर काम करता है और वो है एहतियाज का। तवज्जो करिएगा, वो है जरूरत का, एहतियाज का। हमेशा बेचता वो है, उसके पास दो वजह हैं कोई भी चीज बेचने की, कोई भी चीज दो वजहों से बिकती है, या इंसान को जरूरत है उसकी, तवज्जो करिएगा, और या कीमत बढ़ गई हो। हमने 1 लाख में कोई प्लाट खरीदा था, हमें जरूरत नहीं थी, मसलन मकान है, मगर मौके से प्लाटिंग हो रही थी, 1 लाख रुपया लगा, 1 प्लाट खरीद दिया, काहे के लिए, कुछ जमाने के बाद इसकी कीमत बढ़ेगी। 2-4-10 साल गुजर गए, जो 1 लाख का प्लाट था वो 10 लाख का हो गया, अब हम बेच रहे हैं। तो एक तो बेचने की वजह यह होती है कम कीमत पे ले करके, नफा जब मिल जाए तो चीज बेची जाए। तवज्जो, एक कब चीज बिकती है, जब इंसान को एहतियाज और जरूरत पैदा हो जाए, बड़े जमाने से बड़ी मेहनतों से धीरे धीरे करके पैसा जुटा करके एक छोटा सा प्लाट खरीदा था कि कभी अपना मकान बना के रहेंगे, वो खुदा ना करे वो घर में कोई बीमार हो गया, बीमार हो गया, और उधर डॉक्टर ने कहा साहब 10 लाख रुपए से कम में इसका इलाज नहीं होगा। कहां से लाए 10 लाख? अब निगाह उसी प्लाट पे है, अब इसे किसी तरीके से बेचा जाए ताकि 8 लाख 10 लाख 9 लाख जो भी हाथ में आए उससे इस जरूरत को पूरा किया जाए। तो हमेशा दो वजहों से कोई चीज बेची जाती है, एक जब प्रॉफिट मिल रहा हो या एहतियाज और जरूरत पैदा हो गई हो। खुदा ये नहीं कह रहा है कि हमने अपनी जन्नत बेच दी मोमिनीन के हाथों। तुम ये ना समझो कि जन्नत की कीमत कुछ कम थी, हमारा नफ्स ज्यादा कीमती था, नहीं नहीं। और न ये समझो कि अल्लाह के यहाँ कोई एहतियाज पैदा हो गई थी, ये भी नहीं है। लिहाजा बात को घुमा के उधर से कह रहा है कि हमने नफ्स और माल मोमिनों का खरीद लिया है जन्नत के बदले में। एक नुक्ता और बहुत है, मैं ज्यादा उसे भी जल्दी सर्च कर दें, और वो ये कि हमने अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में ये देखा कि सिर्फ नफ्स बिक गया मर्दी के बदले, लेकिन जब मोमिनीन की बहस आई तो कहीं तन्हा नफ्स की बात नहीं कर, माल को जोड़ दिया उसने। तवज्जो करिए, क्या ये सुबह शाम हमारे बाजार में भी होता है, जब अकेला एक माल इतनी कीमत में रखे तो हमने देखा है कंपनियां उसके साथ कुछ लगा देती हैं ताकि ये दोनों मिल करके कोई कीमत पैदा करें। वो नस इतना कीमती था कि अकेले मर्जी के बदले बिक गया,
तुम लाख कोशिश करो नफ्स इतना कीमती न बना पाओगे, लिहाजा लाओ अपने नफ्स के साथ अपना माल शामिल करो, हम खरीदे लेते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले तवज्जो करें आप। लिहाजा चीजों के साथ चीजों को जोड़ा जाता है, क्यों? ताकि ये दो चीजें मिल करके कीमत पैदा कर लें। होता है ना कभी कभी तो सेम चीज डबल कर दी जाती है, एक खरीदें एक फ्री पाएं, तो खरीदने वाला बेवकूफ नहीं है, वो दोनों को जोड़ करके समझता है जो हम दे रहे हैं उसके बदले ये दो चीजें मिल रही हैं, ये बराबर हैं या नहीं, होता है नहीं होता है। तो किसी भी चीज को किसी के साथ तब लगाया जाता है कि जब तनहा वो चीज उस कीमत तक ना पहुंच रही। ज्यादा मोमिनीन के नफ्स को भी खरीद रहा है, आज भी खरीद रहा है। मोमिन को तय करना है किसके हाथों दिखना है। एक दरवाजा कुदरत का खुला है, वो भी खरीदार है, जमाना भी खरीदार, वो भी खरीदार, हुकूमत भी खरीदार। तवज्जो करिए, यानी जिस नफ्स की इतनी अहम कीमत मिल रही हो, इंसान की नादानी नहीं तो और क्या है कि वो चंद सिक्कों के वज़ में खुद को बेच दे, वो किसी मकाम के बदले में खुद को बेच दे, वो किसी ओहदे के बदले में खुद को बेच दे। आलम ये हो गया है कि मामूली से किसी अंजुमन की सदारत के बदले बिकता है, मामूली से किसी कॉलेज की प्रिंसिपली के बदले बिकता है, किसी ट्रस्ट की सदारत के बदले बिकता है। जाने दें अभी मंत्रालय ऊपर की बहस छोड़े, इस पस्ती पे है इंसान, मामूली मामूली चीजों के वक्त बिकता है, सुबह शाम बिकता है। कब? जबकि खुद खरीदार इतना अजीम मौजूद, उसे खोल दिया है। जो भी मोमिन है हम उसके खरीदार हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बात तमहीन में तमाम हो जाती है, यही के ऊपर रोक रहा हूं। तो असल एक वजह यह है आइम्मा की मारिफत न होने की, कि इंसान को असल में खुद अपनी मारिफत नहीं। वरना आप सोचें कि एक नफ्स जिसे अपनी कीमत मालूम हो, एक जानिब हुसैन इब्ने अली खरीदार हो, एक तरफ उमर साद खरीदार हो, एक जानिब हुसैन इब्ने अली खरीदार हो, एक जानिब इब्ने ज़ियाद खरीदार हो, एक जानिब हुसैन इब्ने अली और खुदा खरीदार हो, एक जानिब यजीद वक्त खरीदार हो, अगर ये अपनी सही कीमत जानता है तो किसके हाथों बिके? तवज्जो करिएगा, ये सारी खराबी इसलिए पैदा हो गई, लोगों ने आइम्मा को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अपनी कीमत नहीं जानते थे। मगर जिसने अपनी कीमत को पहचान लिया, तवज्जो, उसने सौदा तोड़ दिया, उसने ये सौदा फस कर दिया, नहीं नहीं हमारी कीमत इतनी अर्जा नहीं है कि हम यजीद के हाथों बिक जाएं, लिहाजा उस भीड़ को छोड़ा उसने और अपने आप को दरे हुसैन इब्ने अली पर पहुंचाया। क्यों? ये वो था जो अपनी कीमत जान गया। कौन था? ये जनाबे हुर हैं, तवज्जो करो, ये जनाबे जुहैर हैं और बहुत सारे लोग हैं जो जनाबे हुर के साथ आए हैं, इमाम मजलूम से आकर के मुतसिल हुए हैं। खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू आज की हद तक। अभी लोग कीमत इतनी कीमती ये शय है जिसे इंसान कहते हैं, इतनी कीमती मखलूक है परवरदिगार की जिसे हम और आप इंसान कहते हैं या हम और आप हैं। मगर ज़रूरत ये है कि इंसान इस पर और कायदे से गुफ्तगू का की ज़रूरत थी और है, लेकिन चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। हम सुबह शाम खुद अपनी ज़िंदगी का जायज़ा इस कीमत से मिला करके ले सकते हैं और बहुत सारी बातें खुदा शाहिद है कि मैं मेंबर से कह रहा हूँ कि और रोशन हो जाएंगी, मगर वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। जल्दी जल्दी आज 5 मुहर्रम हो गई, यानी वो तारीख आ गई कि अब मसाइब ज़्यादा से ज़्यादा बयान किए जाए और यहाँ वक्त की तंगी ज़्यादा। मैं माजरत के साथ चंद जुमले आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। अभी आज की तारीख आम तौर से तारीखों को उलमा ने, बुज़ुर्गों ने कुछ तारीखों से कुछ ज़वाब को मंसूख कर दिया है, तो अलग अलग इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में कुछ अलग अलग नस्बतें पाई जाती हैं, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब फूल हैं हुसैन इब्ने अली ही के बाग के। मगर हाँ ये ज़रूर है कि इस तारीख से अब जो गुफ्तगू शुरू होती है वो खूब उन अफराद की कि जो हुसैन इब्ने अली के ख़ानदान के हैं,
इमाम के अजीज़ हैं, इमाम के रिश्तेदार हैं। उन्होंने शायद पहली मजलिस से दूसरी मजलिस में गलबन यहाँ या कहीं अर्ज़ किया था ये कि करबला इतनी मुनज़्ज़म है कि हर हर ईन शायद पहली मजलिस में या दो मुहर्रम को इस हद तक मुनज़्ज़म है कि इसमें हर चीज़ पहले से बिल्कुल तय शुदा है। इसमें कोई एक काम इत्तेफाकी नहीं है कि इत्तेफाकन व नमाज सुबह से जंग शुरू हो गई और इत्तेफाकन असर तक चल गई और असर पे आके ख़त्म हो गई, कुछ नहीं। इस पर बाकायदा रिसर्चें मौजूद हैं, उलमा ने इस पर बहस किया है। एक एक चीज़ तय थी कि हुसैन इस जंग को कब शुरू होना है, किस वक्त इस जंग को तमाम हो जाना है, कौन कितनी देर मैदान में रहेगा और कौन किस आलम में शहीद होगा और शहादत पेश करेगा, ये सब अपने मकाम के ऊपर। इस हद तक मुनज़्ज़म है कि आप देखें कि अमीरुल मोमिनीन को अल्लाह ने तो बेटियां भी दी, उनमें से एक बेटी वो है जो सानिय जहरा है। जहरा की सानी होना कोई मजाक नहीं, अपनी माँ की शबी होना कोई मजाक नहीं। उसके अक्द का मौका आया, अमीरुल मोमिनीन ने जनाब अब्दुल्ला को बुलाया जो भतीजे भी हैं अमीरुल मोमिनीन के, इमाम भी हैं, औला बित तसरुफ भी हैं। कहते मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी लफ्ते जिगर का निकाह तुमसे करूँ। अब्दुल्ला आप आका हैं, आप मौला हैं, आप सरपरस्त हैं, आप वली हैं, आप फैसला करें। इमाम ने कहा कि हाँ ये तो है, लेकिन अब्दुल्ला देखो मेरी एक शर्त हो, लेकिन कितना मुनज़्ज़म है करबला, मेरी एक शर्त है। मौला हुक्म दें, अब शर्त न लगाएं। शर्त ये है अब्दुल्ला, अगर कभी ऐसा मौका आ जाए, ऐसा ज़माना आ जाए कि मेरा हुसैन वतन छोड़ने लगे, तो अब्दुल्ला तुम मुझसे वादा करो तुम ज़ैनब को नहीं रखोगे। कितने पहले का ये वाक़या है करबला से, अब्दुल्ला ये वादा करो कि तुम ज़ैनब को नहीं रोकोगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ तय हो चुका है, कौन कौन ज़ैनब के साथ जाएगा, हुसैन के साथ जाएगा, कब हुसैन को निकलना है। बात ख़त्म हो गई, जनाब अब्दुल्ला ने कबूल किया, इमाम अली ने आप पढ़ दिया, जनाब ज़ैनब रुख्सत होकर के शौहर के घर आ गई। ज़माना गुजरता चला गया, अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया से चले गए, इमाम हसन की शहादत हो गई, 10 बरस और गुजर गए, अब वो तारीख आ गई कि अब इमाम हुसैन मदीना छोड़ गए। तवज्जो करिएगा, ज़ैनब को ख़बर मिली कि हुसैन ने काफ़िले की आमादगी का हुक्म दिया है और भैया वतन छोड़ रहे हैं। ज़ैनब आई घर में, अब्दुल्ला के करीब बैठी, सब मकातिल मौजूद है, खिताबत नहीं कर रहा, आई बैठी, कहती अब्दुल्ला तुम्हें कुछ खबर है। ये भी किस बात की खबर? कहा मेरा भैया वतन छोड़ रहा है अब्दुल्ला। कहा हाँ मुझे पता है। कहा अब्दुल्ला तुम ये भी जानते हो कि मैं भैया के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। कहा बीवी मुझे ये भी मालूम है कि आपको हुसैन से कितनी शदीद मोहब्बत है। कहा अब्दुल्ला मैं भी भैया के साथ जाना चाहती हूँ, मगर अब्दुल्ला सुनो तुम शौहर हो, अगर तुम इजाज़त नहीं दोगे तो ज़ैनब नहीं जाएगी। अब मख्तल का फकरा पड़ रहा है, अगर तुम इजाज़त नहीं दोगे तो ज़ैनब नहीं जाएगी, मगर अब्दुल्ला ये तय है कि इधर हुसैन का काफिला निकलेगा और उधर ज़ैनब के बदन से रूह निकलेगी, क्योंकि ज़ैनब हुसैन से जुदा नहीं रह सकती। अल्लाह हो गया, फौरन जनाब अब्दुल्ला ने इस रवायत को नकल किया, बीवी कैसी बात कर रही है, ये शर्त तो आपके बाबा ने आपके निकाह के मौके पर मुझसे किया था कि जब कभी भी ये मौका आ जाए मैं आपको ना रोकूं। बीबी बाख्तियार हैं आप, बिस्मिल्लाह, अगर मैं भी मरीज ना होता तो मैं खुद आका हुसैन के हमराह चलता, मगर चूंकि मैं मर्ज की शिद्दत की वजह से खुद नहीं जा सकता लिहाजा आप जाएं बिस्मिल्लाह। तारीख कहती है काफिला निकलने लगा कि एक मरतबा ज़ैनब को रोका अब्दुल्ला ने, अब्दुल्ला ज़ैनब ठहरो, अब्दुल्ला अब क्या है, कहीं मना तो नहीं करना चाहते, कहीं इरादा तो नहीं बदल गया? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो जब भी सफ़र पे निकला जाए तो साथ में सदके का सामान रखा जाना चाहिए। हदीस पैगंबर की,
सदके का सामान रखो ताकि कोई मुसीबत आ जाए, कोई बला आ जाए तो उसे सदका कर दो और उस बला को टालो। देखो मैं तुम्हें कुछ सदके का सामान देना चाहता हूँ। ये कौन सा सामान है? का दो बच्चों का हाथ ज़ैनब के हाथ रख दिया करना है। का ज़ैनब देखो ये दोनों अपनी जानिब से लेते जाओ, अगर कहीं कोई मुश्किल पैदा हो जाए हुसैन के ऊपर, कोई आफत आ जाए तो देखो एक को अपनी जानिब से सदका कर देना, एक को मेरी जानिब से हुसैन पर कुर्बान कर देना। दो बच्चों को लेकर के ज़ैनब मदीने से करबल आ गई। यदि तो मैंने सारी गुफ्तगू दरमियान की काट दिया, तारीख वो आ गई कि जब कुर्बानी दी जानी है। सुबह से कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। दो बच्चे बार बार इमाम की खिदमत में आते हैं, मामू हमें भी मख्तल में जाने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह रे मामू है हुसैन इब्ने अली, चहेती बहन के बेटे हैं दोनों, किस कलेजे से इजाजत दे दें। यारा बार बार समझा करके बहला करके वापस भेज देते हैं। दोनों भाई ये खेमे में सर झुकाए बैठे हुए हैं, कोई तदबीर नहीं समझ में आ रही कि मामू से कैसे इजाजत ली जाए। अल्लाह अकबर, क्या अचानक उस खेमे में जनाब ज़ैनब दाखिल हुई? क्या देखा कि दोनों शहजादे सर झुकाए बैठे हैं, तेवरियों पे बल पड़ गए, सिलवटे हैं माथे पे। कहती है कि मेरे बच्चों क्या ये वक्त खेमे में बैठने का है? क्या ये वक्त खेमे में बैठने का है? ये कुर्बानी का वक्त है, तुम खेमे में बैठे हो। भाई तो ना याद रखना कि मुझे तुमसे ये शिकायत ना होने पाए कि तुम बैठे रहो और अली अकबर पर कोई आंच आ जाए। तुम सही सलामत रहो और फरजंदे हुसैन पर कोई आंच आ जाए। देखो खबरदार, वो शबी है, पैगंबर है, वो हुसैन का बेटा है। ऐसा ना हो कि हुसैन के बच्चों की बारी आ जाए और तुम सही हो सलामत रहो। ये समझ लो ये माँ तुमसे राजी ना हो। दोनों बच्चे खड़े हुए, अम्मा अब आप ही मेरी शिफात कर दें, सिफारिश कर दें। हम बार बार गए मगर मामू हमें जाने की इजाज़त नहीं दे रहे मक्तल में। ज़ैनब दोनों बच्चों को लेकर के आई। ए भैया, ज़ैनब ने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, क्या ज़ैनब का कोई हक नहीं है? ज़ैनब कैसी बात करती हो, तुम्हारा हक है, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? अल्लाह हर एक जुमला कहे, शायद किसी भाई को ये मौका न दिखाए खुदा, और खुदा करे न दिखाए कि चहेती बहन आकर के पहली बार कुछ मांग रही है भाई से, और वो भी क्या, बच्चों को मक्तल में जाने की इजाज़त। ए भैया, मेरे इन बच्चों को इजाजत दे दो। हुसैन ने सर झुका लिया, आंखों से अश्क टपकने लगे। जाओ खुदा हाफिज ओ नासिर, बच्चों को इजाजत मिली, लबों पे मुस्कुराहट आई। आए, माँ ने तैयार किया, सवार हुए घोड़ों पर, मैदान में आया दी दो, खूब जंग की है। क्यों? इसलिए कि माँ ने समझा के भेजा है कुछ बातें। बच्चों ऐसी जंग होनी चाहिए कि दुश्मन देखे तो कहे हाँ हाँ जाफर तैयार के पोते हैं, हाँ हाँ हैदर कल्लार के नवासे हैं। इतना बस नहीं, इसके अलावा एक वसीयत और है ज़ैनब की, और वो वसीयत क्या है? का देखो, तुम्हारी रगों में जाफर तैयार का भी लहू है, हैदर कर्रार का भी लहू है। कोई बड़ी बात नहीं कि तुम जंग करते करते तराई तक पहुंच जाओ। ये हो सकता है कि तुम फौजों को हटा करके तराई तक पहुंच जाओ। भाई इतना याद रखना उन मोहम्मद कि अभी खेमे में सकीना प्यासी है, अभी असगर प्यासा है, अभी हुसैन प्यासे है। खबरदार, पानी को मुंह से न लगाना। और यही हुआ, जंग करते करते एक भाई तराई के करीब पहुंचा, दूसरे भाई ने आवाज दी, भैया अम्मा की नसीहत से होशियार, खुदा आपको किसी गम में न बुलाए सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। अजीजो मजलिस तमाम, आखिरी फकरा, जंग करते करते जख्मों से चूर हो करके दोनों शहजादे जमीने करबला पे आए। मामू को आखिरी सलाम किया, इमाम उठे, आए, दोनों को उठाया, लेकर के खैमे में आए, मजलिस तमाम हो गई। अय अजीजो, आज उन बच्चों का मातम कर लो कि जिन पर करबला में मातम नहीं हो सका। नहीं नहीं, इनकी माँ ने गिरिया नहीं किया है। कदे दोनों की लाशों को ला करके खेमे में रख दिया हुसैन ने, बीवियों ने गिरिया शुरू कर दिया, बीवियों ने मातम शुरू कर दिया। कुछ देर गिरियाओं मातम के बाद बीवियों ने देखा सब तो है, ज़ैनब नहीं है। सब तो मौजूद है, ज़ैनब नहीं मौजूद है। ज़ैनब को तलाश किया गया, एक एक खेमा देखा, अजब मंजर है। क्या देखा? कि खेमे में
सजदे शुक्र में सर रखे हुए लबों पे शुक्र है। ए परवरदिगार तेरा शुक्रिया कि तूने ज़ैनब को सुरखरू कर दिया। ए अबीगो ए बीवी ने बाजू पकड़ा। ए शहजादी अरे आपके नौनिहाल आए हैं क्या मिलने न चलेगी। ज़ैनब उठी क्या कहा ओनो मोहम्मद आए हैं क्या हमने उन्हें मक्तल से वापस आने के लिए भेजा था। नहीं नहीं बीवी चल के देखे तो कैसे आए हैं। अब ज़ैनब आ रही है अबीलो आई उस खैमे में देखा दो लाशें रखे हुए हैं। ज़ैनब ने बीवियों को देखा जिनकी आंखों में अश्क है। खबरदार कोई आंसू न बहाना इसलिए कि अगर आवाज़ें गिरिया बुलंद हुई मेरे भैया को कहीं शर्मिंदगी न हो कि ज़ैनब की इस गिरिया का सबब हुसैन है। लिहाजा सबको ज़ैनब ने रोका दोनों लाशों को हटाया फिर एक मरतबा पेशानी रखा। ए मेरे मालिक तेरा शुक्र है तूने ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल। दुनिया में जहाँ कहीं भी मुहिबान बसते सबकी जान माज़त आबरू की हिफाजत फरमा। जहाँ कहीं भी मोमिन ने फर्श अदा हुसैन बिछाया उन सबकी हिफाजत फरमा। परचम इस्लामी को सरबुलंदी अता फरमा। परचम कुफ्र और निफाक को सरनगू करार दे दे। जो अफराद मरीज हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जो अफराद हज ज़ियारत के मुश्ताक हैं उनको हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आमाल में शरीक फरमा। मातम